आज हमारी सप्तऋषि सीरीज की चौथी वीडियो है और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऋषि की जो वैदिक काल के विख्यात व सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में एक थे। वे परम प्रतापी, तपस्वी व एक साधक महापुरुष थे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था और उन्होंने मानव कल्याण के लिए सृष्टि को गायत्री मंत्र भी दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस महान ऋषि की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। विश्वामित्र प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऋषियों में सबसे प्रमुख रहे हैं। उन्हें ईश्वर तुल्य होने के साथ साथ गायत्री मंत्र सहित ऋग्वेद के मंडल 3 के लेखक के रूप में भी माना जाता है। उनका जन्म राजा के रूप में हुआ, पर उन्होंने अपनी अखंड तपस्या से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक केवल 24 ही ऋषि रहे हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र के संपूर्ण अर्थ को समझा और इसकी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। इसमें ऋषि विश्वामित्र को प्रथम माना जाता है और ऋषि यज्ञवल्क्य को अंतिम। क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र का असली नाम राजा कौशिक था। वह प्रजाप्रिय और अति बलशाली थे। वह अपनी प्रजा के कष्टों को जानने के लिए अक्सर प्रजा के बीच जाते रहते थे। एक बार वे विशाल सेना लेकर जंगल में गए, जहां रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। यहां उन्होंने जाकर महर्षि से भेंट की। इस दौरान गुरु वशिष्ठ ने कौशिक का शानदार आदर सत्कार किया, उनकी विशाल सेना को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। एक ब्राह्मण विशाल सेना और राजा को कैसे इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे गुरु वशिष्ठ के पास गए तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास नंदिनी गाय है। यह स्वर्ग की कामधेनु गाय की संतान है जिसे मुझे खुद इंद्रदेव ने भेंट किया है। नंदिनी सभी की भूख मिटा सकती है। तो राजा कौशिक ने कहा कि हे गुरुवर, मुझे नंदिनी चाहिए, बदले में आप जो चाहे ले लें। यह सुनकर वशिष्ठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि राजन, नंदिनी मुझे प्राणों से प्रिय है, वो सदा साथ ही रही है, मैं उसका मोल नहीं लगा सकता। इतना सुनकर राजा कौशिक इसे अपना अपमान समझकर सेना को आदेश दे देते हैं कि वो गुरु से नंदिनी गाय को छीन लें। लेकिन जैसे ही सैनिक नंदिनी को ले जाने का प्रयास करते हैं, वह गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपनी योग माया दिखाती है और राजा की विशाल सेना को अकेले ही खत्म कर डालती है। पर राजा को भी बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के सामने खड़ा कर देती है। वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी को श्राप से भस्म कर देते हैं। पुत्रों व सेना का नाश होता देख राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी से माफी मांग ली और खिन्न मन से अपने महल की ओर लौट गए। राजा ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वे महर्षि वशिष्ठ से अपने पुत्रों के वध और अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के बाद वे अपने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंप कर खुद हिमालय की कंदराओं में कड़ी तपस्या के लिए चले गए, ताकि वे भी उन सभी दिव्य शक्तियों को अर्जित कर सकें। वहां उन्होंने वर्षों तक गहन तपस्या की और देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और पुनः महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अभी भी उनके पास वे सभी दिव्य अस्त्र नहीं थे जो वशिष्ठ जी की शक्ति के समीप भी टिक सकें। अतः वे एक बार फिर से परास्त हो गए, क्योंकि तब तक क्रोधित हो वशिष्ठ जी ने राजा पर अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उनके सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर चारों ओर तीव्र ज्वाला उठने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी देवता गणों ने वशिष्ठ जी से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया और ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए कहा। जिसके बाद सभी के अनुरोध पर वशिष्ठ जी ने अपने छोड़े ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। एक बार वो फिर से गहन तपस्या में लीन हो गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री पद प्रदान किया। इतने भर से भी वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने तय किया कि वे और गहन तपस्या करेंगे।
इसी तपस्या के बाद उन्हें विश्वामित्र की उपाधि मिली थी, जो इतनी भी आसान नहीं थी। जब विश्वामित्र एक घने वन के भीतर अपनी घोर तपस्या में विलीन थे, उन्हें तपस्या करते काफ़ी लंबा समय हो चुका था, वे एक स्थान पर पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उनके शरीर में किसी प्रकार की हलचल भी नहीं थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, और किसी के भीतर इतना साहस भी नहीं था कि वो विश्वामित्र की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न डाल सकें। उनकी तपस्या का तेज बढ़ता ही जा रहा था और इसका प्रभाव अब देवलोक में भी पड़ने लगा था, जिसके कारण देवराज इंद्र को भी अब विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और यह भय सताने लगा था कि कहीं उनकी गद्दी खतरे में ना पड़ जाए। राजा इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत प्रेम था, वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर जाने और विश्वामित्र को मोहित करके उनकी तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। विश्वामित्र कड़ी तपस्या से पत्थर हो चुके थे, उन्होंने काम को अपने वश में कर लिया था, उन पर मेनका की सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन अंत में कामदेव की सहायता से मेनका के सौंदर्य का प्रभाव विश्वामित्र पर पड़ने लगा और वे मेनका पर मोहित हो गए। मेनका के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगा। मेनका ने तपस्या तो भंग कर दी थी, लेकिन उसे लगता था कि कहीं वो विश्वामित्र को छोड़कर चली गई तो वे फिर से तपस्या में ना बैठ जाए। वह जिस मकसद से वहाँ आई थी उसने अभी भी विश्वामित्र को यह सब नहीं बताया था, क्योंकि उसे उनके क्रोध का अंदाजा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था। एक दिन अचानक वहाँ इंद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने मेनका को याद दिलाया कि तुम इंद्रलोक की एक अप्सरा हो और यहाँ एक मकसद के लिए आई थी, तुम्हें वापस इंद्रलोक चलना होगा। यह सुन मेनका भावुक हो गई और विलाप करने लगी। वो अपने पति और पुत्री को छोड़कर इंद्रलोक वापस नहीं जाना चाहती थी। इस पर इंद्रदेव ने मेनका से कहा कि यदि तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें मैं शिला बना दूंगा। इसके डर से मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र ने मेनका को खुद से हमेशा दूर रहने का श्राप दे दिया। हालांकि वह मेनका से बहुत अधिक प्रेम भी करते थे और यह भी जान चुके थे कि बहुत समय पहले ही मेनका ने उनके प्रति सभी कुटिल इरादों का त्याग कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र पर अप्सरा रंभा द्वारा भी परीक्षण करवाया गया, लेकिन अप्सरा रंभा को विश्वामित्र से श्राप मिला। रंभा को श्राप देने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर हजार वर्षों से भी अधिक समय के लिए गंभीर तपस्या करने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और सांसें भी कम से कम लेने लगे। इस बार इंद्रदेव ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही और वह एक गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास भोजन मांगने पहुँचे, जो ऋषि विश्वामित्र ने कई सालों के उपवास के बाद अपने खाने के लिए थोड़े से चावल के रूप में बनाया था। ऋषि विश्वामित्र ने वह चावल तुरंत ही उस गरीब ब्राह्मण को दे दिए और पुनः अपनी तपस्या में लग गए। अंततः विश्वामित्र ने अपनी तपस्या में महारत हासिल कर ली और देवराज इंद्र उनकी तपस्या भंग करने में विफल रहे। कई हजार सालों की इस तपस्या की यात्रा के चरम पर ऋषि विश्वामित्र की योग शक्ति भी चरम पर पहुंच गई। इस बिंदु पर पहुंचकर भगवान ब्रह्मा ने इंद्रदेव के नेतृत्व में राजा कौशिक को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी और उन्हें एक नाम दिया विश्वामित्र, अर्थात जो सबका मित्र हो, जिसके हृदय में असीमित करुणा हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य सप्तऋषि की जीवन गाथा के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।